बिजनेस की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए काम धंधा चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। ये बिल्कुल दोस्तों, मैं हूँ अलीम शेख, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल काम धंधा में। दोस्तों आज मैं आप ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिस बिजनेस को स्टार्ट करके आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस को आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। इस बिजनेस को आप 4 से 5 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करके हर महीना काफी अच्छा इनकम कर सकते हो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कुरकुरे मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों आप कुरकुरे की मैन्युफैक्चरिंग करके, आप इसको पैकेजिंग करके, इसको सेल करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट करना है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसके लिए आपको रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करना है, इसकी पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इंडिया मार्ट की वेबसाइट से रॉ कुरकुरे खरीदना है। यहाँ पे रॉ कुरकुरे आपको 32 रुपये पर केजी से लेके 40 रुपये पर किलो तक का रॉ कुरकुरे मिलेगा, ये आपको खरीदना है। इसके बाद में इसमें मिक्स करने के लिए आपको कुरकुरे मसाला परचेस करना है, ये भी आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। आपको कुरकुरे मसाला इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे 98 रुपीज पर केजी के से लेके 120 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों इस दोनों प्रोडक्ट को मिक्स करना है, कुरकुरे में कुरकुरे मसाला मिक्स करना है। इसके बाद में आपको इसकी पैकेजिंग करनी है और इस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। आप चाहे तो छोटे छोटे पैक इसमें पैक कर सकते हो या 1 kg के पैक में भी इसको पैक कर सकते हो। दोस्तों आइए जानते हैं इस बिजनेस की पूरी प्रॉफिट रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों कुरकुरे मेकिंग के बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट होगा, आइए उसकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको रॉ कुरकुरे परचेस करना है, जो इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे आपको 32 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो पर केजी के हिसाब से मिलेगा। अब इसमें मिक्स करने के लिए आपको कुरकुरे मसाला की ज़रूरत होगी। यह कुरकुरे मसाला आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे 100 रुपये पर केजी से लेकर 120 रुपये पर केजी के हिसाब से अलग अलग सेलर सेल कर रहे, आपको ये परचेस करना है। आपको इसको दोनों को मिक्स करके कुरकुरे बनाना है। आपको 1 kg कुरकुरे बनाने के लिए एवरेज कितना खर्च आता है वो देख लेते हैं। 1 kg रॉ मटेरियल, रॉ कुरकुरे का कॉस्ट 35 पकड़ लीजिए, कुरकुरे मसाला 1 रुपये का लगेगा इसमें, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप 2 रुपये पकड़ लो, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट 1 रुपये पकड़ेंगे, पैकिंग मटेरियल आपको 2 रुपये का लगेगा, लेबर कॉस्ट 2 रुपया, और अदर एक्सपेंस आप 2 रुपये पकड़ लीजिए। इस हिसाब से आपका 1 kg कुरकुरे बनाने में 45 रुपये का खर्च आता है। यह 45 रुपये का कुरकुरे आप बड़े आराम से 200 रुपये पर केजी के इस पैक में पैक करके सेल कर सकते हो। दोस्तों इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से पैक करके ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। दोस्तों इस प्रोडक्ट के पीछे आपको कितना प्रॉफिट होगा ये जान लेते हैं। जैसे कि 1 kg बनाने के लिए आपको 45 रुपये का खर्च आया था, तो जैसे कि आपको 155 रुपये का प्रॉफिट पर केजी के हिसाब से होगा। आप इस प्रोडक्ट को 200 रुपये में रिटेल में सेल कर सकते हो। अगर होलसेल में आप अगर सेल करना है तो आपको 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल करना होगा, ताकि जो जो शॉपकीपर है उनको भी कुछ प्रॉफिट मिले। इस हिसाब से आप अगर 100 रुपये से सेल करते हो तो आपको हर किलो के पीछे 55 रुपये का प्रॉफिट होता है होलसेल में। दोस्तों होलसेल में आप ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर सकते हो और ज़्यादा प्रॉफिट इससे कमा सकते हो। इसमें आपके शॉप दुकान वालों को भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, आपका ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल होगा। इस हिसाब से अगर आप पर डे 100 kg का प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको पर डे के हिसाब से 5,500 का प्रॉफिट होगा। इस हिसाब से अगर पूरे महीने में आप एवरेज सेल करते हो तो 1,65,000 रुपये का हर महीना आप इनकम कर सकते हो। दोस्तों ये इनकम डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप कितने अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, आप कौन सा पैकिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आप उसका ब्रांडिंग कौन सा कर रहे हो, उस हिसाब से डिपेंड करता है आपका कितना इनकम आप कर रहे हो। ये प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो सकता है, ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों इस प्रोडक्ट के लिए आपको सबसे पहले आपको बिजनेस आपको रजिस्टर करना है, उसी नाम से आपको पैकिंग प्रिंट कराना है, और उसी प्रिंट किए हुए पैकिंग में आपका मटेरियल पैक करके आपको सेल करना है। दोस्तों आप जितनी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे आपके प्रोडक्ट की, जितना अच्छा प्रोडक्ट आपका दिखेगा, अच्छे से आप प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करके आप उस पर आप अच्छे से ब्रांडिंग करके इसको सेल करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। इस हिसाब से आपको इस प्रोडक्ट को सेल करना है मार्केट में। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रिंटिंग में आप खर्च नहीं कर सकते, तो आप नॉर्मल प्लास्टिक में पैक करके, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में पैक करके भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और इससे भी अच्छा इनकम कर सकते हो। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के निशान को दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
दोस्तों ये मेरा बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के नए नए बिजनेस आइडिया को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग इस तरह के बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नए बिजनेस आइडिया के साथ में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।